अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज दोबारा से हम कुकिंग वीडियो में आ गए हैं। आज का व्लॉग जो है बहुत ही अच्छा और डिफरेंट है, यानी कि इसमें मास्टर शेफ हमारे आ गए हैं 8 ईयर ओल्ड हरम खुर्रम। और इससे पहले ये हमें कढ़ाई बना के कढ़ाई सिखा चुके हैं। और क्या क्या सिखा चुके हैं आप? बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, आज आप ये सब चीज़ें क्या लेके खड़े हैं? आज आप हमें क्या सिखाएंगे? टिक्का बर्गर। आज हरम हम सबको जो है ये सुंदर बीस इंतज़ार में खड़ी हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे, तो आप सीखते रहिएगा। अच्छा, ऑब्वियसली, लेकिन अभी इंग्रेडिएंट्स बताएं, वो तो चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने ये चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स लिए और उसे कट किया। आप देखें हम बना रहे हैं टिक्का बर्गर, उसकी रेसिपी बहुत ही क्विक है। अभी शाम का वक्त है, शाम का वक्त है, कितने बज रहे हैं अभी तकरीबन? 6 बज रहे हैं और हमें 6 बजे जो है शाम की चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का स्नैक चाहिए था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है आज टिक्का बर्गर बना लेंगे। तो हरम, आपने इसमें क्या मिक्स किया बताएं? इसके इंग्रेडिएंट्स में चिकन के अंदर क्या क्या डाला है? यह कौन सा मसाला? टिक्का मसाला। अच्छा, ये देखें हमने ये जो है इसके अंदर दही दी है। चिकन हमारी आप यूँ समझ लें हाफ के जी है, स्पून तो एक हरम, चिकन हमारी हाफ के जी है। इसके अंदर आपने दही डालनी है, हमने तकरीबन जो है 1 कप दही डाली है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर से डाला है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लो। फिर हमने इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया और देख सकते हैं आप बोनलेस चिकन है, उसे हमने मैरिनेट कर दिया था और इसमें हमने टिक्का मसाला डाला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये बर्गर्स हैं, इसको हम लोग जो है इन मायोनीज से है, क्लासिक मायो और सिंपल मायोनीज से, केचप हमारे पास इस वक्त नहीं है, तो जो चीज़ अवेलेबल है हम उनके साथ आपको ये बहुत ही अच्छा और क्विक सा बर्गर बना के बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक फ्राइंग पैन चाहिए जो कि हमने रख दिया है। अब हरम आप स्टार्ट करें, इसमें तेल डालें। चलो डालें फिर जल्दी से। अब आप चिकन डालना शुरू करें आराम आराम से, ध्यान से। ये ट्रेन है माशाल्लाह और मैं हमेशा इन्हें अपनी सुपरविजन में ही काम करवाती हूँ, तो हर वक्त हमें अपने बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बच्चों को सब आता है। अब देख सकते हैं अब हम इसे फ्राई करेंगे और थोड़ी देर हम इसे दम पे रख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चिकन है, खुशबू अभी से ही आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें हरम क्या करेंगे? और जब ये थोड़ा पक जाएगा तो हम इसके ऊपर भी मायोनीज डालेंगे, है ना, ताकि वो टिक्का क्रीमी टिक्का सा हो जाए। और उसके बाद जो है हमें इसे बर्गर के ऊपर भी हम लोग बर्गर पर हम मायोनीज लगाएंगे या मक्खन लगाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लोग इनको दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे जब ये चिकन तैयार हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा पहले सौते करेंगे, सौते तो नहीं, अच्छे से इसको पहले भूनेंगे फिर हम इसे दम पे रखेंगे। जैसे ये टिक्का पीसेस बन जाएंगे तो हम इसका फाइनल लुक दिखा के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसे बर्गर पे और इस तरीके से लगा के इसका फाइनल लुक किया है। तो वील सी यू सून, और आप ये सुंदर से मिल लें, ये जो है कब से इंतज़ार कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे भी दिखा दें, ठीक है। चलें जी, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कर रहे हैं हमने इसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज डाल दिया, अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो बस इसे मिक्स करके ये क्रीमी टिक्का बन गया। ये देख रहे हैं कि अब हमने इसको ये क्रीमी टिक्का बन रहा है क्योंकि इन्होंने जो है 1 टेबल स्पून टिक्का बोल में मिला दिया है। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, इन्होंने यहाँ बन भी रख दिए हैं और आप देख सकते हैं अभी से आ रही है। चले फिर आए, जल्दी तैयारी करते हैं। टिक्का बोटी तैयार हो गई है और अब जो है हम इसको इन बर्गर के ऊपर अब जो है मायोनीज और वो लगाएंगे, कोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है पहले हम लोग मायोनीज लगा लेते हैं। लगाएं गरम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, थोड़ा सा ये बस बस, क्योंकि इसे अप्लाई। और फिर थोड़ा सा ये मायो गार्लिक, क्लासिक मायो, सॉरी, आकाश,
अब इसको आप स्प्रेड करें। असल में मैं अपने बच्चों को खुद, जो इन्हें खाने का शौक़ होता है, इनको मैं खुद सिखाती हूँ और हम लोग मिलके फिर बनाते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें हरम को आ गई हैं, तो हमें आज बर्गर बनाना था। आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनली ये जो है इसको बना रहे हैं, जैसे कि रोज़ बनाते हो। तो बर्गर खाने की इन बच्चों को काफ़ी दिनों से क्रेविंग थी। मैंने चले अब डालें इसमें, अब इसके ऊपर मेयोनीज लगाते हैं, क्लासिक मायो, थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड करें। इस तरीके से हम सारे बना के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। और अब हम इसको, अगर केचप हो तो आप केचप डालें, हमें जो है और बाकी चीज़ इस पर भी पसंद नहीं, केचप नहीं है और हमें पसंद भी नहीं है एक्चुअली। और इसके अलावा आप इसमें जो है लेटस रख सकते हैं, मीन सलाद का पत्ता रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आपको पसंद है। हम अभी इसमें कुछ नहीं रख रहे और हम इसे ऐसे ही इंजॉय करेंगे। तो अब हम इसको जो है बेटा हमने उल्टा रख दिया, दिस इज़ द फाइनल लुक। बस इतनी ज़ोर से नहीं, और अब हम इसको